अस्सलाम वालेकुम, टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं शायना शम्स। लाड़काना से बेरोजी बाबर अली खोकर की रिपोर्ट शामिल करते हैं। लाड़काना दो हफ्ते कबल अलाहाबाद थाने की हदूद में फायरिंग करके कत्ल किए गए। प्राइमरी टीचर्स कत्ल केस का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस टेक्निक से ट्रेस किया गया। एएसपी अहमद फैसल चौधरी ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि मकतूर को कत्ल करने वाला शख्स कभी लाड़काना नहीं आया था, पहली बार यहां आया, रुका और वारदात की। उन्होंने मजीद कहा कि मख्फी इतला पर शहर की मुमताज़ कॉलोनी के घर में छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। एएसपी ने कहा है कि मुलजिम ने जाती मसाइल की बुनियाद पर टीचर को कत्ल करने का एतराफ कर लिया है और कत्ल की वजूहात क्या है, किसके कहने पर कत्ल हुआ, ये तहकीकात कर रहे हैं। मुलजिम को मकामी अदालत में पेश करके दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। उनका कहना था कि मकतूल प्राइमरी टीचर हाशिम कंबर को इसके ईंटों की भट्टी पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। उसमें बस ये है कि एक फ़ोन नंबर मिला, उससे हमने उसको ट्रेस किया। वो नंबर उससे पहले कभी लाड़काना नहीं आया हुआ, लेकिन उस दिन वो लाड़काना उससे एक दिन पहले आया और वो रहा। और वही बंदा जब उसकी शिनाख्ती कार्ड वगैरह लिया गया, उसकी तस्वीर मिली, वो एक CCTV में भी उससे एक मिलता जुलता चेहरा किया और CCTV ब्लर थी। उसके हम उसके चक्कर में हम उसको ट्रेस करने निकल पड़े। हमें फिर सरताज हैं SHO मार्केट और ये इमरान है SHO जलाबाद, इन दोनों ने फिर उस पर प्लान किया कि लोकल इंफॉर्मेशन पे हम कोई काम करें। इन दोनों ने काफ़ी मेहनत की उस पर और लोकल इन्फॉर्मेंट ने उस पर हमें ये हेल्प की कि कल रात हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि मुमताज़ को